ऑन होम डिवाइस बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आ गया कि सिग्नल आ गया। चलो अल्लाह हायर करेगा। कितने बजे आ तली बैठा जाए मीर बतार ना तो नंबर देते हैं नहीं मैं मुड़ा मैं भेजे ठीक लेने जे नंबर ओदा नहीं नंबर लेना ना लोड जी। जनाब उस्ताद चौधरी नईम गोंदल साहब कैसे हैं आप? काशीमान साहब कैसे हैं आप? आहो प्यार रसूल साहब जी चौधरी अवैस साहब काशीमान साहब बिलाल भट्ट साहब अशरफ खान बलोच साहब दानिश मियो साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं कामरान अब्बास आपका दोस्त आपका होस्ट मंथली आई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में आपके साथ इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात में और जनाब चौधरी अकाबर साहब की छत पर। थैंक यू वेरी मच सर। काशीमान साहब फ़ोन कर लीजिएगा नुमान को। हाँ थैंक यू हमाद जफर साहब जी अल्लाह का शुक्र जी आज हम मौजूद हैं गुजरात में और जेट की परवाज़ें चल रही हैं। मौसम ये बारिश की वजह से साफ था और आपको बताते चलें जी कि अभी जो है मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया लेकिन हवा जो है वो चल रही है। थैंक यू वेरी मच जी अल्लाह का शुक्र। चौधरी साहब ये शायद भट्ट साहब आपको नज़र आ रहे होंगे सामने और ये चौधरी काबर साहब नीचे आपको ये लेटे हुए अपने कबूतर देख रहे हैं। जी जनाब उस्ताद मलिक मोहम्मद बाबर साहब जी सोहेल शेख साहब बिल्कुल मैं कर लेता हूँ जी जी शाहिद भट्ट साहब यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र है। तो माशाल्लाह आपका चल रहा है टूर्नामेंट? आज फाइनल है टूर्नामेंट का माशाल्लाह। अच्छा कौन सी परवाज है? सातवीं? हाँ सातवीं परवाज है और आपकी फाइनल है वैसे फाइनल गुजरात की? आज तीन कपों की फाइनल है शदौला पिजन क्लब और सैयद पिजन क्लब और बाबा नसीर पिजन क्लब नसीर वड़ैच पिजन क्लब। ठीक हो गया तीनों की जो फाइनल परवाज है तो क्या पोजीशन चल रही है गुजरात की? गुजरात में काफी अच्छी पोजीशन चल रही है अभी लोगों के एक एक दो दो कबूतर बैठे हैं। अच्छा मौसम ने काफी डिस्टर्ब किया था इस वजह से जो है ना थोड़ी रही है प्रॉब्लम अभी भी हवा जो काफी तेज है काफी तेज आंधी चल रही है अभी हवा बिल्कुल। तो अब ये जिस छत पर हम मौजूद है जनाब चौधरी काबर साहब के तो इनकी क्या पोजीशन है? इनका अभी तीसरा कबूतर 3:32 पे बैठा है तो इनका वन टू वन मुकाबले चल रहे हैं दो छतों से। अच्छा सिक्स कबूतर थे छह इनके रह गए एक और छत के छह हैं। अच्छा और एक छत के आठ हैं। ठीक हो गया तो अभी इनकी पोजीशन बेहतर है? हाँ माशाल्लाह सर बेहतर है अभी ये तीसरा बैठा है चौथा आया हुआ है और तीसरा और हाँ चौथा पांचवा छठा ये सामने लगा हुआ है। ठीक हो गया जी उस्ताद मलिक मोहम्मद बाबर साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा तो ये बताइएगा कि इसके अलावा भी इन्होंने कोई टूर्नामेंट्स वगैरह खेले हैं उड़ाए? इन्होंने एक अपने इलाके का कप खेला है उसमें ये पहले नंबर पे आए हैं। अच्छा उसके अलावा बच्चों के वन डे ये उड़ाते रहे एक बालू बतिया के नाम से टूर्नामेंट था उसमें इन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की और बाकी अपने इलाके के टूर्नामेंट्स में जो है ना इन्होंने किसी में फर्स्ट किसी में सेकंड और विनर बच्चों के नाम भी जो है ना ये इन्होंने किए हैं। अच्छा माशाल्लाह तो इसका मतलब है कि अभी गुजरात की जो पोजीशन है वो आपको शाम को ही पता लग सकती है क्योंकि तमाम लोगों के कबूतर ऊपर है। पोजीशन है लोगों के कबूतर अभी जो है ना आठ आठ सात सात उड़ रहे हैं। ठीक हो गया तो आठ आठ सात सात कबूतर उड़ रहे हैं अभी तक जो पोजीशन जा रही है उसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि किसकी छत जो है ऊपर? जिसकी सबसे अच्छी पोजीशन है वो सैयद मुनीर शाह साहब की छत है जमालपुर से। वो पहले नंबर पे जा रहे हैं। अच्छा तो बाकी देखिए आज बाकी शाम तक रिजल्ट आता है। ठीक हो गया मलिक मोहम्मद बाबर साहब कंग्रेचुलेशन कह रहे हैं जी आपको उस्ताद मियां नजीर पार्टी से ताल्लुक है और कमल अरोड़ा साहब भी इंडिया से इस वक्त हैं सरफराज चीमा साहब भी हैं साकिब गुजर साहब अरकम अब्दुल्ला साहब और अभी जो है हम बात करेंगे जनाब चौधरी अकाबर साहब से उनको भी हमने बुलाया वो आते हैं तो उनसे बात करते हैं। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र।
काफी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है जी, तो माशाल्लाह कैसा रहा इस दफा का शौक? बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है तो अभी तक तो आज तो जेट की ये फाइनल परवाज है इनकी, कुछ टूर्नामेंट्स की आपके, वैसे तो यहाँ पे 11 परवाजें होती हैं आपके, ये बाजी भी 11 दिन की है? हाँ जी 11 दिन की बाजी, 11 दिन की, ठीक है। अभी तक वो बता रहे हैं कि पोजीशन बेहतर चल रही है जी, काफी बेहतर चल रही है। एक पे जो है तकरीबन 63 घंटे हैं, एक पे जो है 33 घंटे। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। तो क्या लगता है कि आपको इस वक्त की पोजीशन देख के आपके सामने है? अच्छा, तो गुजरात की मजीद आप क्या कहना चाहेंगे कि गुजरात की जो कबूतरबाजी है इस दफा कैसी रही, अच्छी रही कि? गुजरात की कबूतरबाजी जो है तकरीबन बहुत अच्छी रही है, सिर्फ एक दफा जो तूफान आया उसकी वजह से थोड़ा सा डिसऑर्डर है। हाँ बिल्कुल। अच्छा एक चीज बताएं, इस दफा आपने देखा कि जेट पीछे आया है जरा रमजान की वजह से, तो ये मौसम का जो चेंज है इसकी वजह से कोई फर्क पड़ा कबूतरबाजी में? बहुत ज्यादा पड़ा है जी। अच्छा। समझ नहीं आ रही करना क्या है, क्या करना है, बिल्कुल परवाज़ नहीं पूरी हो रही। हाँ जी बिल्कुल ऐसी है। तो हमारी मुलाकात भी हो चुकी है जनाब उस्ताद इकराम पहलवान साहब से, कराची में हमारे साथ रहे हैं, सीनियर उस्ताद हैं, और माशाल्लाह आपका जिक्र भी हुआ था उनसे, तो बड़ी तारीफ कर रहे थे आपकी। मैंने कहा मैं आपको बता दूँ, तो उधर बल्कि वो आपके कबूतर का जिक्र भी हुआ था जो उनकी तरफ से आपको आया हुआ था, तो वो भी बड़ा जिक्र हुआ वहाँ पे। तो आपके जो उस्ताद मोहतरम है इस वक्त इधर जो आपके कबूतर हैं, कबूतर परवरी है, उसमें उनका कितना अमल दखल है? जी काफ़ी सारी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जी जी उस्ताद जी के अलावा जो है शेह साहब जो है काफ़ी ज़्यादा तकरीबन यही कर रहे हैं, मेहनत सारी मेहनत, सारी मेहनत जो है इनकी है शेह साहब। शाहिद साहब की तो सर क्या ही बात है ना, शाहिद साहब हर जगह पे मेहनत करते हैं। नहीं इधर जो है कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, करें कुछ बात मतलब कि टूर्नामेंट्स वगैरह में हर जगह यार आप समझते नहीं है ना। आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी बेटे की। और इस वक्त जो है शाहिद साहब यहाँ पे शादोला पिजन क्लब के जो टूर्नामेंट है उसको भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उनको कंट्रोल भी कर रहे हैं, और इस वक्त चौधरी अकबर साहब की छत को भी साथ साथ कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है जी। आप जो है मल्टी वर्क जो है इकट्ठे कर रहे हैं, तो ये भाई आए हैं, इनका नाम क्या है? ये मेरे भाई तुसी भूल जांदे हो बहुत है। मैनूं याद है, मैं जान के पूछिया, मैं के गलत दसेगा इधर आओ बैठ के दस। अपने भाई ने जी अपना ब्लॉग साहब कौन ये फजील साहब जी कैसे हैं आप जी? अल्लाह का शुक्र। ये यार ये तेरा नाम गलत लेता है, इसको समझा ले। उसने तो गलत लिया लेकिन आप भी कम नहीं। कैसे हैं आप? तो कैसा चल रहा है शौक? बस आपके सामने ये जबरदस्त। अच्छा ठीक चल रहा है। बाकी गुजरात की भी क्या पोजीशन है आप अभी? अच्छी चल रही है। और उस्ताद अल्ताफ साहब कैसे हैं? कैलकुलेटर मार। अच्छा कैलकुलेटर मार रहे हैं। अच्छा ठीक हो गया। तो अभी क्या मतलब मौसम एकदम जैसा चेंज हुआ है? मौसम, हाँ मौसम की वजह से काफी परेशानी हो रही है। अच्छा तो ऐसे मौसम में ज्यादातर आपको क्या लगा कि कौन सी नस्ल के कबूतर ज्यादातर कामयाब हुए हैं इस दफा उड़ने में? सियालकोटी ज्यादा है, टेडी या कसूरी, कौन से कबूतर जो हैं ज्यादा? मेरे ख्याल से क्रॉस ब्रीड जो है इस मौसम में ये सियालकोटी लॉरी क्रॉस ना हो जाता। अच्छा सियालकोटी लॉरी, बिल्कुल ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा, शाह सलीम भट्ट साहब ने इधर जो मेहनत की है और उसके अलावा जो है ना उनके उस्ताद जी ने, उस्ताद मुस्वा साहब ने, उन्होंने बहुत ज्यादा हमारी रहनमाई की है और उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ। अरे उस्ताद मुस्तफ़ा अड्डे वाले उनकी तो क्या ही बात है ना जी, बहुत ज़बरदस्त जो शौकीन और बड़े अच्छे उस्ताद हैं। बिल्कुल जी, इसके साथ ही जी आप तमाम दोस्तों से साथियों से हम इजाज़त चाहेंगे क्योंकि कबूतर इधर नीचे फिर रहे हैं, हम अब इस वक्त कुड्डों की तरफ तो जा नहीं सकते, तो इसलिए इस वक्त यहाँ से चाहेंगे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर किसी और छत पर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।